छाती बहुत जोर से लगी है। ओ चुटकी, तुम खेलने क्यों नहीं आई? क्योंकि मुझे चोट लगी है। बहुत ज्यादा लगी है क्या? दिखाओ तो। मैं नहीं दिखा सकती क्योंकि मुझे चोट उस जगह पर लगी है जो मेरे कपड़ों के नीचे है, और उस जगह को मैं मेरे भरोसेमंद बड़ों के अलावा किसी को नहीं दिखाऊंगी। बच्चों, चुटकी बिल्कुल सही कह रही है। चलो मैं आपको एक पोस्टर की मदद से समझाती हूँ ऐसा क्यों। पर आंटी, इनके ऊपर ये निशान क्यों बने हैं? मैंने ये निशान जहाँ जहाँ बनाए हैं, इन जगहों पर किसी को भी हमारी इजाज़त के बिना नहीं छूना चाहिए। जब हमें दर्द होता है या चोट लगती है तो हम अपने भरोसेमंद बड़े को या डॉक्टर के पास ले जाने पर अपने भरोसेमंद बड़ों के सामने उन्हें दिखाते हैं। जब आपको आपके भरोसेमंद बड़े छूते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? हमें अच्छा लगता है। बिल्कुल सही। जब कोई प्यार या देखभाल करने वाले हमें हमारी मर्जी से छूते हैं इस तरह जिससे हमें सुरक्षित महसूस होता है, तो उसे हम सुरक्षित स्पर्श यानी सेफ टच कहते हैं। जैसे जब हमारे मम्मी पापा हमें नहलाने के समय या चोट लगने पर छूते हैं तो वह सुरक्षित स्पर्श है। और यदि इनके अलावा कोई आपको आपके कपड़ों के अंदर छूता है तो वह गलत है। ऐसे स्पर्श को हम असुरक्षित स्पर्श यानी अनसेफ टच कहते हैं। अगर कोई आपको कपड़े उतारने बोले या गंदी तस्वीरें दिखाए या आपके सामने अपनी निजी जगहों को हाथ लगाए तो ऐसी स्थिति में हमें उनसे क्या कहना चाहिए? नहीं। बिल्कुल ऐसे ही चिल्लाना है और भागकर उन लोगों को बताना है जिन पर आपको सबसे ज्यादा भरोसा है। बच्चों, क्या आपको पता है आपकी ऐसी स्थिति में मदद करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी है? हेल्पलाइन नंबर? वो क्या है रोमांटी? हेल्पलाइन नंबर है 1098। इस नंबर पर फोन करते ही आपकी मदद के लिए एक भरोसेमंद व्यक्ति आएगा। उनसे आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, समझे बच्चों? तो बताओ मुझे एक बार फिर से हेल्पलाइन नंबर 1098। शाबाश बच्चों, आप सभी को ये नंबर हमेशा याद रखना है। दोस्तों, आपको याद है ना, जब कोई हमें ऐसी जगह पर छुए जहां उन्हें नहीं छूना चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए और किससे बात करनी चाहिए? हमें जोर से नहीं नहीं चिल्लाना चाहिए और अपने बड़ों से बात करनी चाहिए, उनसे कुछ नहीं छुपाना चाहिए। बच्चों, याद रहे, जब कोई हमें ऐसे छूता है और हमें अच्छा नहीं लगता या हमारे सामने अपनी निजी जगहों को छूता है तो उसमें हमारी गलती नहीं है, यह उस व्यक्ति की गलती है। हमें उस समय घबराना या डरना नहीं चाहिए। हमें तुरंत भागकर अपने भरोसेमंद लोगों के पास जाना चाहिए और उन्हें इसके बारे में बताना चाहिए या 1098 इस चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना चाहिए। बाय बाय दोस्तों, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे।